हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टिप्स की पुकार में। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि दोस्तों आप लोग जो है अपने स्नैपचैट की आईडी कैसे आप लोग बना सकते हैं, यानी स्नैपचैट अकाउंट कैसे बना सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करेंगे। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग दोस्तों वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे तो वीडियो को दोस्तों लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर अगर पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और दोस्तों आप लोग नोटिफिकेशन बेल दबा दीजिएगा। तो आइए दोस्तों, अब मैं आपको यहां पर बताता हूं कि कैसे आप लोग जो है स्नैपचैट की आईडी आप लोग जो है आसानी से बना सकते हैं। दोस्तों, स्नैपचैट की आईडी बनाने के लिए करना क्या है, सबसे पहले दोस्तों आपको अपने जो है स्नैपचैट एप्लीकेशन को ओपन करना है। स्नैपचैट एप्लीकेशन को ओपन करेंगे, आपको इस तरीके से ओपन कर लेना है। एप्लीकेशन जैसे दोस्तों आपका ओपन होगा, उसके बाद यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। यहाँ पर आने के बाद आपको दो ऑप्शन मिलता है, एक आप लोग गूगल से जो है अपना अकाउंट बना सकते हैं, एक आप साइनअप कर सकते हैं। दोस्तों, आपसे आपको जो है करना क्या है, साइन अप के ऑप्शन पे जैसे आप लोग क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पर आपको कंटिन्यू करना होगा। कंटिन्यू पे क्लिक करना है, यहाँ पर आपको अलाउ दे देना है, फिर से आपको अलाउ पे क्लिक कर देना है। अब अलाउ करने के बाद आपको यहाँ पर फर्स्ट नेम जो आपका होगा ये आपको डालना होगा, उसके बाद जो आपका लास्ट नेम होता है वो आपको यहाँ पर डाल देना है। तो यहाँ पर दोस्तों हम जो है अपना फर्स्ट नेम यहाँ पर डाल देते हैं, यहाँ पर हम जो है अपना लास्ट नेम भी डाल देते हैं। डाल दिए, नीचे कंटिन्यू का ऑप्शन आएगा, कंटिन्यू के ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे। अब कंटिन्यू के ऑप्शन पे जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है डेट ऑफ बर्थ, आपको अपना डेट ऑफ बर्थ डाल देना है। तो जो आपका डेट ऑफ बर्थ रहेगा वो आपको अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर डाल देनी है, डाल देने हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको जो है कंटिन्यू के ऑप्शन पर टैप कर देना है। अब कंटिन्यू के ऑप्शन पर जैसे टैप करेंगे, आपको तीसरा स्टेप ये करना है कि आपको यहाँ पर यूज़र नेम अपना डालना होगा। दोस्तों, जो आपको यूज़र नेम आपको इस तरीके से यहाँ पर डालना है, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके से डालना है, फिर आपको कुछ जो है यहाँ पर अंकों में डालना होगा, ठीक है, नंबर में। अब नंबर में डालने के बाद फिर से आपको इस तरीके से कुछ यहाँ पर जो है डाल देना है, नीचे कंटिन्यू के ऑप्शन पे टैप कर देना है। अब यहाँ पर जैसे डालते हैं, उसके बाद यहाँ पर सेट ए पासवर्ड। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ जो आपका पासवर्ड होगा ना, वो जो है आपका यहाँ पर जैसा कि आप लोग देखते हैं पासवर्ड शुड बी लिस्ट इजिट कैरेक्टर लॉन्ग, ठीक है। यहाँ पर आपको कुछ लंबा पासवर्ड आपको डालना होगा, ठीक है, मतलब लंबा पासवर्ड आपको यहाँ पर कैरेक्टर में डालना है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको कुछ इस तरीके से यहाँ पर डालना है, उसके बाद यहाँ पर आप लोग जो भी यहाँ पर आपको अच्छा लगता है ये अपने हिसाब से डाल दीजिएगा। नीचे आप देख सकते हैं पासवर्ड लुक गुड, यहाँ पर यानी ये जो है करेक्ट हो चुका है। हम कंटिन्यू ऑप्शन पर जैसे क्लिक करेंगे, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा हमें जो प्रॉब्लम आ रही है, बट इस तरीके से आप लोग यहाँ पर अपना लंबा पासवर्ड यहाँ पर डाल दीजिएगा, ठीक है। कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, आपकी जो आईडी रहेगी वो बन के रेडी हो जाएगी बहुत ही आसानी। तो इस तरीके से आप लोग अपना आईडी बना सकते हैं। बाकी वीडियो कैसी लगी एक बार कमेंट करके बताएगा, वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा, बाय बाय।